हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोज ग्लैम बाय मनु रिपारी। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनदर प्रोडक्ट रिव्यू एंड विच इज़ माय फेवरेट थिंग। यस, लिप एंड चिटिन की बात मैं कर रही हूँ। पता ही होगा कि मुझे ब्लश लगाना कितना ज़्यादा पसंद है। आई ऑलवेज लाइक टू प्रिफर यू नो नेचुरल और बहुत ग्लोई और बहुत ही सूदिंग सा आपका मेकअप हो। सो सॉरी, लिप टिंट लगाने से बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी स्किन पे आपने कुछ ना अप्लाई किया और आप खाली लिप टिंट से लगा के भी आउटिंग कर सकते हो एज यूजुअल, जैसे मैं करती हूँ। सो गाइज, मैंने फेस शॉप का टिंट लिया था 1 month पहले और मैंने वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो उसमें एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। शॉप ने बहुत सारे कलर्स जो है अपने मार्केट में ला दिए हैं। आपको रेड एंड मेहरून के बहुत सारे शेड यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो मैंने जो ऑर्डर किया था वो है रेड सिग्नल। इसके अलावा आप और भी टाइप्स के शेड इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो मैं आपकी बात करूँगी, तो मुझे लगता है फेस शॉप टेन जो कि मैंने मंगवाया था, क्वान्टिटीज़ की मतलब ठीक है। वैसे हमें 500 rupees स्पेंड करने में, बिकॉज ये 500 का था, 499 का जो मैंने ऑर्डर किया था। तो आई नो हमें लगता है कि यार 500 में सिर्फ इतना सा, बट आई मीन फेस शॉप वाले ने इस हिसाब से इसकी क्वांटिटी ठीक ही दी है। एंड वैसे लिक्विड फॉर्म है ये, थोड़ा वाटरी फॉर्म है। सो जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो हमें एकदम से स्वैच करना होता है, दवाई से ड्राई हो जाता है और फिर ये क्या होता है, फैलता नहीं है आपके स्किन पे। और ये कितने टाइम तक स्टे करेगा, हम ये भी आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। ऑल्सो हम एकदम डायरेक्टली चेक भी करेंगे, क्योंकि मुझे आज शाम को बाहर जाना है। सो लेट्स सी कि मेरे लिप पे एंड मेरे चिप पे कितने टाइम तक स्टे करता है। दिखा देती हूँ किस फॉर्म में होता है। सो गाइस, इसका जेल का मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वाटरी थिंग में जैसे ये थोड़ा वाटरी फॉर्म में है, सो इसको अप्लाई करने के तुरंत बाद ही आपको क्या करना होता है, या तो अपने हाथ से या फिर इसको इसी ब्रश से जो है बहुत जल्दी से स्वैच करना होता है, बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और अगर ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो फिर वो एज इट इज़ स्टे रहेगा आपकी, और फिर आप उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप चीक में करते हो, चाहे आप लिप में करते हो, आपको इसको डायरेक्टली अप्लाई करके एकदम से अपने फिंगर से इसको स्वैच कर लेना है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। गाइस, मैंने इसको नाउ हाउ टू अप्लाई ऑन लिप्स मैं आपको बताती हूँ। लिप्स में सबसे पहले आप वैसलीन लगा लो, बिकॉज आपके लिप्स जो है बहुत ड्राई ड्राई नहीं होने चाहिए। अदरवाइज से जब आप ये लगाओगे तो आप इसको ढंग से स्वैच नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि इसको लिप्स पे अप्लाई करने से पहले आपके लिप्स हाइड्रेट होने चाहिए, वैसलीन अप्लाई कर लो। सो मैंने अभी ऑलरेडी लिप ग्लॉस लगा रखा है। गाइस, हम लोग को जब भी ये अप्लाई करना होता है तो आप इसको फिंगर से स्वैच जरूर करें, ताकि ये जो पैचेस हैं आपके ड्राई पैचेस ना पड़े लिप्स में। और मैंने गाइस को बहुत लाइट अप्लाई किया, बिकॉज लाइट अप्लाई करने से ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल शो होता है। इसे सी, मैं इतना ही लाइट पसंद करती हूँ। आप चाहें तो आप उसको लिपस्टिक की तरह डार्क भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने टाइम तक स्टे रहता है हमारे लिप्स पे। गाइज, इसको लगाते हैं जब भी टिंट को, तो आपको हमेशा थोड़ा सा अपने इनर लिप्स पे लगाना चाहिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए होल लिप्स पे। इसको बिल्कुल लिपस्टिक की तरह अप्लाई नहीं करते हैं। सो गाइज, ये मैंने लगा लिया है एंड अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर। सो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 11 बजे हैं और मेरे को इवनिंग में आना है, तो लेट्स सी कि ये कितने टाइम तक स्टे करता है। सो गाइज, मैं जा रही हूँ बाहर और मैं देखती हूँ मेरे लिप एंड चिक पे कितनी देर तक स्टे करता है, एंड आई विल बी बैक एट अराउंड 7 PM। सो लेट्स सी। आई जस्ट केम होम एंड अभी बज रहे हैं 7, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो मेरे स्किन से ऑलमोस्ट ये टिंट खत्म हो चुका है। लिप्स पे थोड़ा सा बच गया है, मैंने बीच में खाया पिया भी बहुत ज़्यादा था, एंड चीक से तो बिल्कुल ऑलमोस्ट टिंट खत्म हो चुका है। बट आई थिंक 11 बजे से लेकर अभी बज रहे हैं 7, तो इस बीच में 7-8 घंटे तक ये स्टे कर जाता है आपकी स्किन पे, और बीच में आप कितना खा रहे हो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल इट्स गुड।
गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइस मैं इस टाइप की ऑल हॉल वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।